कौन करेगा रज्जू पे वार? आखिर क्या होगा मक्खी पांडे का प्लान? चुलबुल पांडे को क्यों मिला अपनों से धोखा? नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉली क्रैक स्टूडियोज और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी दबंग 5 के साथ। तो अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। दबंग 5 एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है जिसको डायरेक्ट करेंगे माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया प्रभु देवा। बात की जाए फिल्म की बाकी की कास्ट की तो दबंग 5 में नजर आएंगे दबंग खान, भाईजान, सलमान खान, जी हाँ, और इस मूवी में नजर आएंगी हम सभी की चहेती सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी जो निभाएंगी रज्जो का किरदार पड़ सकती है मुसीबत में और उसकी वजह होंगी बदला और वो भी होगा चुलबुल पांडे का। जैसा कि आप जानते हैं कि चुलबुल पांडे ने सच्चाई के साथ साथ देते देते इतने दुश्मन बना ही लिए हैं, पर आपको पता ही होगा कि पांडे जी हमेशा से ही सच्चाई से लड़ते आ रहे हैं और वो अब रुकने वाले भी नहीं हैं। चुलबुल पांडे के दुश्मन करेंगे पांडे की बीवी रज्जो परवार, पर दोस्तों शायद आप भूल रहे हैं कि रज्जो भी एसीबी की वाइफ है और वो काफी ज्यादा शातिर और चतुर है। तो देखना अब यह है कि क्या रज्जो दे पाएंगी दुश्मनों को मार या उनकी फोटो पे चढ़ेगी हार। जैसा कि आप जानते हैं कि चुलबुल पांडे के भाई मक्खी पांडे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं अपने भाई का साथ, क्योंकि भाई की यारी जान से भी प्यारी। दबंग 5 में भी मक्खी पांडे देंगे चुलबुल पांडे का साथ और उनके साथ बनाएंगे दुश्मनों को हराने का एक जबरदस्त तोड़ प्लान जिससे मक्खी और चुलबुल कर देंगे दुश्मनों की छुट्टी। और वैसे भी देखा जाए तो दुश्मन कितने भी हो पापी, उनके लिए तो ये दो भाई हैं बहुत काफी। तो देखना ये है कि क्या इन दोनों का प्लान कामयाब हो पाएगा कि नहीं। सुनने में आ रहा है कि फिल्म में हमारे पांडे जी को मिलेगा अपनों से धोखा और वो और कोई नहीं बल्कि होंगे उनके ही दोस्त जो पैसे के लिए दोस्त को करेंगे घोस्ट। पर शायद आप भूल रहे हैं कि जिसके आगे हो अली और पीछे हो बजरंग बली, उसका क्या उखाड़ेगा बली या बाहुबली। तो देखना अब यह है कि क्या आएगा कहानी में ट्विस्ट और किसकी होगी जीत। आपका क्या मानना है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ और मजेदार खबरों के साथ। धन्यवाद।